देखिए, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप यदि अपनी बुरी आदत से तंग हैं, दुखी हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आज से आप अपनी बुरी आदत को छोड़ दोगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं यदि आप पूरी वीडियो देखने के बाद अपनी बुरी आदत को ना छोड़ पाओ तो भले ही इस वीडियो को अनलाइक कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्यों मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूं? क्योंकि जब आप वीडियो को देखने के लिए आए हो तो आपने अनेकों बार कोशिश की होगी। अनेकों नौजवान हैं जो अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, दिन प्रतिदिन जूझ रहे हैं अपनी बुरी आदत से, घुट घुट कर जी रहे हैं। कभी वो कहते मैं नए साल से छोड़ूंगा, कभी कहते वो एक तारीख से छोड़ूंगा, कभी कहते मैं सोमवार से छोड़ूंगा, कभी कहते मेरे जन्मदिन पर छोड़ूंगा, लेकिन वो अपनी बुरी आदत से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मैं वो एक एक तरीके आपको बताना चाहता हूं, वो तरीके आपको सिखाना चाहता हूं। बुरी आदत को ऐसे छोड़ दोगे आप ऐसे? क्या सबसे पहली बात आए कि बुरी आदत छूटे कैसे? बुरी आदत को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए या एकदम छोड़ना चाहिए? लोग कहते हैं कि बुरी आदत को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या ये बात सही है? इसको एक उदाहरण से समझें। एक लड़का सो रहा है, माँ ने आवाज दी, बेटा उठो, सर्दियों का समय है, रजाई में ठीक गर्म है। लड़के ने कहा, माँ 5 मिनट रुक जाओ, मैं उठता हूं। 5 मिनट बाद माँ ने फिर आवाज दी, लड़का फिर कहता, मैं अभी उठता हूं। अब भी उठा नहीं, वो रजाई में ही है। माँ फिर कहती है, बेटा उठा नहीं? कहता, माँ बस उठ गया, लेकिन उठा नहीं, रजाई के अंदर ही है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा है लेकिन उठ नहीं पाता और सूर्य उदय हो जाता है। लेकिन यदि वो माँ आवाज दे और एक झटके में ही रजाई को लात मारे और रजाई जाए उसके पांव में और उठ खड़ा हो जाए, तो बताओ उठ सकता कि नहीं उठ सकता? तो इसलिए कोई भी बुराई हो धीरे धीरे नहीं छूटती। यदि आपको उसको छोड़ना है तो एक झटका मारो, एक झटके में उसे बाहर निकलो। आपने एक चीज और देखी होगी, जब बच्चे थे तो एक खेल खेलते थे, कौन सा? चुंबक बनाने का। दो पेन लेते थे, एक पेन ये, इनको ऐसे पकड़ते थे क्रॉस में, और एक सामने वाला बच्चा कहता था, इनको कस कर दबा, मैं चुंबक बनाऊंगा। और उन्हें एक कस करके दबाता है, कस करके, और फिर जैसे मैं कस करके दबाया हूं, फिर कहता है अब इन्हें धीरे धीरे छोड़। दबाए हुए कैसे? कस करके। और चाहते कैसे हैं? धीरे धीरे छोड़ना। और वो जो लड़का कस करके दबाया हुआ है वो धीरे धीरे छोड़ना चाहता पर धीरे धीरे नहीं छूटता। एक झटका मारो, कोई चुंबक नहीं है। तो इसलिए कोई भी बुरी आदत है वो आपको कस करके पकड़े हुए है, और यदि आप धीरे धीरे प्रयास करोगे छोड़ने का तो नहीं छोड़ पाओगे, उस पर एक झटका मारना होगा। लेकिन अब बात आई कि ये झटका कैसे मारें? ये झटका है संकल्प का, ये झटका है आपके व्रत का, ये झटका है आपकी प्रतिज्ञा का। आप संकल्प के साथ एक झटके से इस चीज को छोड़ सकते हैं। कहते भी तो हैं कि अभी वक्त है, अभी वक्त है, वक्त यू ना बेकार कर, खींच ले तीर को कमान पर और वार कर, आज ही छोड़ दे अपनी बुरी आदत को और संकल्प का इस पर प्रहार कर। जब आप अपनी बुरी आदत को पर संकल्प का प्रहार करेंगे तो बुरी आदत से छुटकारा पा जाएंगे। संकल्प माने व्रत प्रतिज्ञा। और ये कैसे लिया जाएगा? यदि आप संकल्प लेते हैं अपनी बुरी आदत को छोड़ने का, तो समझ लीजिए आपने अपनी बुरी आदत पर 90% विजय प्राप्त कर ली है। संकल्प कैसे लें? जो भी आपके जीवन में जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसके प्रति आपके हृदय में विशेष सम्मान है, आप उसको सामने रख करके प्रतिज्ञा कर सकते हैं। जैसे अर्जुन कहे कि मैं द्रोण शिष्य अर्जुन, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद इस कार्य को नहीं करूंगा। मैं परशुराम शिष्य भीष्म, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज के बाद मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। तो इसी तरह आप भी एक संकल्प लें कि मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं इस लत को, इस बुरी आदत को छोड़ देता हूं और दोबारा कभी नहीं करूंगा। संकल्प 3 तरह से लिया जाता है, या तो आप वैसे मन मन में ले लें, या फिर आप डायरी में लिख लें, या फिर आप घोषणा करें सबके सामने। आप यहां वीडियो की कमेंट में भी घोषणा कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि मैं आज ये संकल्प लेता हूं, आज से मैंने इस आदत को छोड़ दिया है। और आपको गर्व होगा, लोग भी आपका बड़ा सहयोग करेंगे। तो आप घोषणा पूर्वक भी ले सकते हैं। जब आप संकल्प लेंगे तो देखना, विचार करना, संकल्प लेते खुशी होगी अंदर ही अंदर। ओहो, ऐसा लगेगा मानो कोई पक्षी
आकाश में उड़ने वाला पक्षी एक पिंजरे में बंद था और आज वो मुक्त हो गया है। इतनी खुशी होगी, बिल्कुल हृदय गदगद हो जाएगा, मानो आज मैं आजाद हो गया हूं। मात्र संकल्प लेते ही, संकल्प लेती इतनी खुशी होगी आपको। आपने संकल्प ले लिया है, अब दूसरा काम क्या करना है? जो आपने संकल्प लिया है उसे लिख करके, जहां आप रहते हैं, आपका कमरा है या मकान है, जहां भी है, आप उसे अपने दीवारों पर सामने लगाएं। जहां भी आपका आना जाना, वहां आप अपने घर में उसे दीवारों पर लगाएं। आप सोचते होंगे, जी कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं, उन्हें तो लिख कर भी नहीं लगा सकते, कोई और पढ़ लेगा, फिर क्या करें? यदि आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करें, अपनी बुरी आदत मत लिखें, सिर्फ इतना लिखकर लगा दें कि मैंने संकल्प ले लिया है, मैंने संकल्प ले लिया है, इतना लिख करके आप लगा दें। आप सोचोगे जी लिखकर लगाने से क्या हो जाएगा, मैं बार बार पढ़ूंगा तो उससे क्या हो जाएगा? इसके पीछे बहुत बड़ा दार्शनिक कारण है। क्या? वो सुनो। आपने बिजली के खंभों पर एक प्लेट लगी देखी होगी, उस पर एक हड्डी खोपड़ी छपी होती है और उस पर कुछ लिखा होता, क्या? खतरा, डेंजर लिखा होता ना। आप बिजली घर में जाओगे, वहां पर भी जगह जगह आपको क्या लिखा मिलेगा? डेंजर, खतरा लिखा मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, किसको नहीं पता कि यहां खतरा है? बच्चा बच्चा जानता है यहां खतरा है, फिर भी वो लिखा जाता है। क्यों? कहीं 11,000 वोल्ट्स है, कहीं कितने हजार वोल्ट्स है, वहां लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, कभी सोचा आपने? वो इसलिए लिखा जाता है ताकि जब व्यक्ति इस प्लेट को देखेगा, वो खोपड़ी हड्डी छपी हुई, तो मन में एकदम डर पैदा होगा, ओहो खतरा। और जैसे डर के संस्कार बनेंगे तो तुरंत सावधान हो जाएगा। तो इसलिए जहां बिजली घर है वहां पर भी जगह जगह पर लिखा होता है, वो सावधान करने के लिए होता है। तो इसी तरह जब आपको अपने सामने अपना संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा लिखी हुई देखोगे, तो मन में संकल्प आएगा, अरे हो, मन में विचार उठेंगे, मन में भावना जगेगी, मैंने तो संकल्प लिया हुआ है। तो इसलिए आप अपने पास में चारों तरफ वो लिख करके लगा दें और दिन में कई बार उसे पढ़ें। सामने लिख कर लगा दिया सामान्य कि मैंने संकल्प ले लिया है, और कुछ जो क्या संकल्प लिया है वो किसी गुप्त डायरी में लिख लें, वहां उसको पढ़ें। कम से कम दिन में 3 बार जरूर पढ़ें। आपने संकल्प ले लिया, लिख कर लगा दिया, और तीसरा काम क्या है? दंड निर्धारित करो। बिना दंड के कोई नहीं सुधरता। दंड निर्धारित करो। दंड का क्या होगा, सजा का क्या लाभ मिलेगा, आपको मैं एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं। एक बार एक कंजूस बकरी रखता था और उस कंजूस की बकरी ने दूध देना बंद कर दिया। कंजूस ने सोचा इसे फ्री में क्यों खिलाऊं, और उसने घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? कि मेरी बकरी का जो पेट भर के लेकर के आएगा, पूरा चारा घास खिला करके इसका पेट भर जाएगा, तो मैं ऐसे व्यक्ति को 5,000 रुपए इनाम दूंगा। 5,000 रुपए इनाम की घोषणा कर दी। लोग ले जाए, बकरी को पूरा दिन चराएं, घास खिलाएं, और शाम को आए तो बकरी की आदत होती है मुंह चलाने की, वो फिर आते, वो कंजूस उसके सामने घास रखे फिर खाने लग जाए। तो उसका बड़ा अच्छा काम चल रहा था, फ्री में बकरी का पेट भरकर आ जाए। एक दिन एक व्यक्ति ने जब ये घोषणा सुनी तो उसने कहा, ठीक है बकरी को मैं लेकर के आता हूं। वो व्यक्ति बकरी को ले आया, उस कंजूस की बकरी को, बकरी के सामने घास रखा, बकरी खाने के लिए आई, तो उस व्यक्ति के हाथ में डंडा था, उसने बकरी के मुंह पे डंडा मारा, बकरी पीछे हटी। थोड़ी देर बाद फिर घास रखा, बकरी फिर खाने के लिए आई, बकरी के मुंह पे फिर डंडा मारा, बकरी फिर पीछे हटी। थोड़ी देर बाद फिर घास रखता है, बकरी फिर आती, फिर डंडा मारता है, बकरी फिर पीछे हटती, और चौथी बार तो बकरी ने सोच लिया कि घास की तरफ गई तो डंडा लगेगा, और बकरी भूखी होती हुई घास की तरफ घास को खाने की कोशिश नहीं करती। क्यों? उसको दंड से, सजा से भय लग रहा है। वो व्यक्ति कंजूस के पास ले गया और कहा, भाई देखो तेरी बकरी का पेट भर गया है, और रखो इसके सामने घास। बकरी के सामने घास रखा और उसने देखा बकरी ने, हाँ ये डंडा लिए खड़ा है, और भूखी होती भी उसकी तरफ नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसको डर है यदि गई तो डंडा लगेगा। ठीक इसी तरह आप जब दंड निर्धारित करेंगे कि मैंने आज से संकल्प ले लिया है, इस बुरी आदत को दोबारा नहीं करूंगा, और यदि मैंने बुरी आदत दोबारा की तो मैं पूरा दिन भोजन नहीं करूंगा, मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगा, मैं 3 दिन भोजन नहीं करूंगा, बिल्कुल पानी पानी में रहूंगा, या फिर कुछ और दंड ले सकते हैं, मैं मेरा मोबाइल बंद कर दूंगा, मैं ये कुछ भी दंड आप निर्धारित कर सकते हैं जिससे आपको कष्ट आए, लेकिन ज्यादा हानि मत ना हो, कोई शारीरिक हानि, ऐसा हो कष्ट आए, जिससे आपको कष्ट आए। कष्ट के बिना, दंड के बिना कोई सुधरेगा ही नहीं। तो आप दंड निर्धारित करें, उससे क्या होगा, आपको डर रहेगा, लेकिन एक बात और आएगी,
दंड निर्धारित भी कर दिया, दंड निर्धारित भी हो गया, लेकिन उसके बाद मन में फिर वही संस्कार जगेंगे उन बुरी आदतों के। पता नहीं कब वो बुरे संस्कार, वो तमोगुण बढ़ जाए और मन करेगा कि आज तो कर लूँ। आपकी फिर इच्छा होगी कि एक बार तो कर लूँ, सामने सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी कि कर लेता हूँ। बहुत मन, बहुत इच्छा होती है जी, क्या करूँ, बार बार होती है, फिर करने लग जाते हैं। कोई बुरी आदत मैंने एक सप्ताह छोड़ी थी, 15 दिन छोड़ी थी, लेकिन मैंने फिर कर ली। ऐसे नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपकी फिर इच्छा हो बुरी आदत करने की, तो याद रखना ऋषियों का वो वाक्य, क्या कहती थी, आपने अच्छे काम में यदि कभी रुकावट पैदा कर दी और आपने एक बार भी बुरा काम कर लिया, तो आपकी बुरी आदत फिर पड़ जाएगी, आपको बुरी लत फिर से लग जाएगी। कैसे, जैसे ट्रेन का सामान्य श्रेणी का डिब्बा है, बहुत भीड़ है उसमें, आपको सीट पर बैठे हैं, लेकिन आप पेशाब करने के लिए सीट से उठकर गए, तो इतनी देर में आपकी सीट पर कोई और आ बैठेगा। तो ले, जो बुराई आपको जकड़े हुए थी इतने दिन से, आपने उसे छोड़ दिया और वो बुराई आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है, कब मैं इसे दोबारा पकड़ूं। और यदि आपने एक बार भी उस बुरी आदत को कर लिया, तो फिर से आपको वो जकड़ लेगी। तो इसलिए आपने दोबारा नहीं करना है, लेकिन आपके मन में फिर आएगा जी क्या करूं, बहुत प्रबल इच्छा होती है, बेचैन हो उठता हूं, नींद नहीं आती, बिल्कुल शरीर में बेचैनी होने लगती है, उस बुरी आदत को फिर से करने का इच्छा होती है, फिर क्या करूं। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय है, क्या, क्रांतिकारियों का जीवन पढ़ो। याद रखना मेरी इन बातों को, जिस व्यक्ति ने क्रांतिकारियों का जीवन पढ़ा है, वो व्यक्ति बड़े से बड़े कष्टों को सहन कर लेता है। याद करना, जब आपको बुरी आदत करने का मन करे, आज शहीदी दिवस भी है, 23 मार्च 2020, आज के दिन हमारे नौजवान इस राष्ट्र के लिए शहीद हो, बलिदान हो गए, फांसी पर झूल गए। विचार करना क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ना, कि उन क्रांतिकारियों ने देश के लिए कितने कष्ट रहे हैं। अरे उन्हें तिल तिल करके काटा काटा गया है, उनके नाखून नोच लिए, शरीर पर उबलता तेल डाल दिया, कोड़े मारकर चमड़ी उधेड़ दी, गोलियों से शरीर छलनी कर दिया, लेकिन फिर भी आह नहीं निकाली। अरे सर्दियों में बर्फ की सिल्लियों पर लेटा दिया गया, लेकिन फिर भी आह नहीं निकालते, अंतिम समय तक वो लड़ते हैं दुश्मन से, लेकिन घुटने नहीं टेकते। एक छोटा सा बालक हकीकत कहता है कि अरे ओ जल्लाद, तेरी इतनी तो ताकत है, तू सिर मेरा कटवा दे, पर बहादुर तो तुझको मैं तब जानूं जब तू धर्म मेरा छुड़वा दे। तो साथियों, आपको क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ेंगे तो इतना आत्म बल आएगा, अरे वो तिल तिल करके मर गए, उन्हें इतनी यातनाएं सहन कर ली, ये बुरी आदत क्या है, मुझे 3 दिन नींद ना आए, मुझे 5 दिन नींद ना आए, लेकिन भले ही मैं रात भर जागता रहूं, लेकिन अब बुरी आदत नहीं करूंगा। कैसे, उन क्रांतिकारियों के वाक्यों को याद कर लेना। वो कहते थे, क्या कहते थे, कि सहलिए सितम, अब उन वाक्यों को ऐसे कह देना कि सहलिए सितम इन बुरी आदतों के। आपको उन वाक्यों कैसे बदल देना है, कि सहलिए सितम बहुत इन बुरी आदतों के, अब करेंगे हर एक वार का सामना, झुक सकेगा ना सिर सर फरोशों का, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। अब चाहे खूनी तलवार क्यों ना जाए और कोई मुझे कहे तेरी गर्दन काटूं या तू बुरी आदत करेगा, तो कह देना उसे कि भले ही मेरी गर्दन काट दे, लेकिन मैं बुरी आदत नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी बुरी लत से मुझे अगला जीवन भी बेकार और मेरा ये जीवन भी बेकार, इसलिए मुझे मेरे जीवन को बेकार नहीं करना है, मुझे अगला जीवन मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, भले ही मेरे प्राण छूट जाएं, पर मेरी अच्छी आदत नहीं छोड़ूंगा और बुरी आदत को ग्रहण नहीं करूंगा। तो आप संकल्प लेना, याद रखना एक बात को, बुरी आदत को छोड़ने के लिए बहुत मजबूत होना पड़ता है, कठोर बनना पड़ता है, आपकी सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ता है, तब छूटती है बुरी आदत, और वो आदत आपको देखती हिलाकर इसमें कितना दम है, जब आप अपना दम दिखा दोगे तो बुरी आदत ऐसे भाग जाएगी। आपने कभी किसी ने भोजन छोड़ा है, कोई पानी पानी में रहा हो, रोटी छोड़ी हो, यदि किसी ने छोड़ी है तो उसे पूछना। मैंने भी कई बार छोड़ा है, परीक्षण किया है, जब आप रोटी छोड़ते हो तो आपको 3 दिन भूख परेशान करती है, बिल्कुल मन करता खा लूं, आज और भोजन कर लूं, 3 दिन बहुत परेशान रहते हैं, जो 3 दिन का कष्ट सहन कर लेते हैं, चौथे दिन उसे भूख नहीं लगती, उसकी भूख है गायब हो जाती है। इसी तरह वो चीज आपको देख रही कितना मजबूत है, और जब आपने मजबूती से दिखाया तो फिर आपको भूख नहीं लगती।
मुझे भी याद है मेरी घटना। मेरा पहले पद्मासन नहीं लगता था और पद्मासन में बड़ा दर्द होता था। मैंने क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़नी शुरू की और मैंने देखा, अरे इन लोगों ने इतने कष्ट सहन किए हैं, क्या मैं एक पद्मासन का कष्ट नहीं सहन कर सकता? और मैं पद्मासन लगाकर बैठ गया। मेरी टांगों में इतना दर्द, भयंकर पीड़ा होनी शुरू हो गई, लेकिन मैं क्रांतिकारियों की जीवनियां याद करता गया, उनके कष्टों को याद करता गया, और होते होते आध घंटे में मेरी टांगे सुन हो गई। आध घंटे की वो यातना के बाद मेरा पद्मासन लगना शुरू हो गया। तो इसलिए आप जब मजबूत हो जाओगे, आपकी आत्मा का इतना बल हो जाएगा, परमात्मा आपकी सहायता करेगा कि आप बुरी आदत से ऐसे छुटकारा पा जाओगे। लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे, एक बात बताओ, जब दो पहलवान बराबर के हों, टक्कर के हों, और उन दोनों की बड़ी कुश्ती चल रही हो, और दोनों बड़े मुकाबले के हैं, बराबर के हैं, एक को यदि कोई हौसला दे दे, अरे भाई, जैसे उसको पहलवान को कह दे, अरे भाई जसप्रीत लगा दम, पार हो जाएगा तू, बताओ उसका हौसला बनेगा कि नहीं बनेगा? हमारे यहां एक जसप्रीत पहलवान जी हैं, तो उसका हौसला बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसलिए मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, जब भी आपको बुरी आदत तंग करे तो आप क्या करना, अंतिम चौथा काम और सुन लेना ध्यान से। जैसे आपको अच्छी चीज को बल देना है, कैसे देना है? अच्छा, आप कई बार जब घर में हो और आपका किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, घर से बाहर किसी से हो जाए, और आपके आसपास में आपका बड़ा भाई या आपका बड़ा भाई या पिताजी हो, तो उसको आवाज देते कि नहीं देते? कहते पिताजी आना एक बार, ये ऐसे बकवास कर रहा है। आपका बल बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? बोलो, ताकत मिलती कि नहीं मिलती है? अरे एक छोटा बच्चा जब माँ की गोद में होता है ना, तो बड़े को दमका देता, कहता डब, ऐसे दमका देता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी माँ की ताकत है कि मैं मेरी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करता है। तो ठीक इसी तरह जब आपके अंदर बुरे विचार आए, बुरी आदत को करने का मन करे कि कर लेता हूं, तो तुरंत अपने परमपिता परमात्मा से जुड़ जाओ। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तुरंत आंखें बंद करो, गायत्री मंत्र का जाप करो, या मंत्रों को जो जिन्हें मंत्र आते हैं वो ऊंची ऊंची आवाज में मंत्र शुरू कर दे और करे परमात्मा से प्रार्थना, हे प्रभु बुरी आदत मुझे घेर रही है, मेरी रक्षा करो, आप तो मेरे परमपिता परमात्मा हो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आपकी शक्ति के होते हुए ये बुरी आदत इतनी मुझे हैवी नहीं हो सकती, आप मुझे इतना आत्मबल दे, मैं इसे डट कर मुकाबला करूं। तो परमपिता परमात्मा से जब आप जुड़ेंगे तो आपको एक अलग ही शक्ति महसूस होगी। गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दें, परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर दें, अलग ही आत्मबल आपको मिलेगा, अलग ही आत्मबल। यदि आपके पास सत्यार्थ प्रकाश पहुंच गई है, तो सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुलास में गायत्री मंत्र का बहुत अच्छे से अर्थ समझाया हुआ है, वो अच्छे से पढ़ना, एक अलग ही आत्मबल मिलेगा। तो यानी कि अगला काम क्या है, परमात्मा से जुड़ना। जब आपको बुरी आदत तंग करे, मन में वो बुरे विचार आने शुरू हो जाए, तो परमात्मा से जुड़ जाए कि अरे परमपिता परमात्मा मेरी रक्षक हैं, हे प्रभु मुझे उठा ले अपनी गोद में, बचा मेरी रक्षा करो प्रभु, बचाओ मुझे। ऐसे परमात्मा से जुड़ेंगे तो आप बच जाएंगे। और मैं एक और कहना चाहता हूं, जीवन में कहते हैं यदि लोहे को जंग से बचाना है तो उससे या तो वायु का संपर्क काट दो या नमी का संपर्क काट दो, तब वो जंग से बच पाएगा। यदि आपको अपनी बुरी आदत छोड़नी है तो आपको या तो अपने मित्रों का संग काट दो, बुरे मित्रों को छोड़ दो। यदि बुरे मित्रों को नहीं छोड़ सकते तो आप अपने ऊपर एक लेप कर लो, यानी कि अच्छे विचारों को पढ़ना शुरू कर दो। सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका खूब पढ़ो, और दो क्रांतिकारियों की दो जीवनियां जरूर पढ़ना, दो क्रांतिकारियों की जीवनियां कम से कम जरूर पढ़ना। कौन सी? एक राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा, और दूसरी वीर सावरकर की मेरा आजीवन कारावास। वीर सावरकर की लिखी हुई पुस्तक है मेरा आजीवन कारावास, उसे भी जरूर पढ़ना। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपको अपने, जैसे कहते ना, बुरे मित्रों का संग कैसे छूटेगा, आप गुरुकुल कालवा भी आ सकते हैं। मान लीजिए अपनी किसी बुरी आदत से बहुत ज्यादा परेशान है तो आप गुरुकुल आ जाओ, यहाँ इतना अच्छा माहौल है, गाय का दूध है, दोनों समय हवन होता है, ब्रह्मचारी चारों तरफ दिखाई देते हैं, तो आप गुरुकुल कालवा भी आ सकते हैं। और फिर भी आपका कभी बुरी आदत करने को मन करे तो भाई एक बार फोन जरूर कर लेना मेरे पास, मैं मेरा नंबर आपको बता देता हूँ, 73-570-76-77-8 इस नंबर पर, और समय ये रहेगा आप 11:30 से दोपहर को 11:30 से 12:30 बजे तक आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज या जो भी कॉल करना चाहे वो आप कर सकते हैं।
समय सीमा का ध्यान रखिए, ज्यादा लंबी बात को ना खेचे, तो इसलिए आप कॉल भी कर सकते हैं और इन बातों को पढ़ेंगे। और मैं फिर कहता हूं, आज से फिर संकल्प लेकर के उठ जाएं कि बहुत दिन हो गए हैं, अब 23 मार्च शहीदी दिवस है, इस देश के लिए लोगों ने बलिदान दे दिया, हमारे क्रांतिकारियों ने, क्या हम बुरी आदत नहीं छोड़ सकते? तो उन क्रांतिकारियों के लिए यदि आप कोई त्याग करना चाहते हैं तो आज से अपनी बुरी आदत का त्याग कर दें और अपना 25 मार्च का यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नव वर्ष शुरू होता है, तो आप सब नव वर्ष से भी एक नई ऊर्जा के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करें और सबको एक संकल्प के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाएं और स्वयं भी आगे बढ़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप पूरा संकल्प लेकर के अपनी बुरी आदत को छोड़ेंगे। और अंतिम में आपसे यही कहना चाहता हूं कि सफर की जो शुरुआत करते हैं, सफर की जो शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। अरे एक बार चलने का तो हौसला कीजिए, आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। तो आप एक बार चलिए तो सही, आपका रास्ते भी इंतजार कर